भारत के बुलावा भेजने पर भी भारत ने आने वाले रशियन प्रेसिडेंट जब जिनपिंग के एक बुलावे पर चीन चले गए तो फिर यह बात कंफर्म हो गया कि अब भारत और रूस का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। जिस भारत और रूस के रिश्ते को अमेरिका तक नहीं हिला पाया, आखिरकार उस रिश्ते में चीन ने सिरमारी कर ही दिया। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही एक तरफ चीन जहां खुलकर रूस के सपोर्ट में था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत था जो इस पूरे मामले पर न्यूट्रल रहा। लेकिन इसके बावजूद भी रूस जितने डिस्काउंट पर तेल चीन को दे रहा था, सेम वही डिस्काउंट पर तेल वह भारत को भी दे रहा था। युद्ध के स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया, वैसे वैसे रूस भारत से दूर और चीन के नजदीक होता चला गया। अब इसका अंजाम यह हुआ है कि भारत के लाख मना करने के बावजूद भी रूस लगातार यह बात कह रहा है कि हमने भारत को जितना भी कच्चा तेल बेचा है, हमें उसका पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में चाहिए। जबकि भारत सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे देश की तेल कंपनियां चीन की करेंसी में पेमेंट करें। चाइनीज करेंसी में पेमेंट करने से होगा यह कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि इंडियन करेंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय डॉलर का मुकाबला करने के लिए एक तरफ भारत जहां यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश रुपए में व्यापार करें, तो वहीं दूसरी तरफ चीन है जो यह चाहता है कि दुनिया के मैक्सिमम देश युआन में व्यापार करें। अब इन सबके बीच अगर भारत खुद अपनी करेंसी को छोड़कर अपने दुश्मन की करेंसी में पेमेंट करे, तो यह बाकी देशों के लिए एक निगेटिव इम्पैक्ट होगा। अपनी इस समस्या के बारे में भारत ने रूस को पहले भी अवगत कराया था, लेकिन अब रूस है कि वह भारत की कोई बात सुनना नहीं चाहता। इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी राइटर्स के हवाले से एक खबर आई है जिसमें यह बताया गया है कि सितंबर महीने में रूस ने भारत को जितना भी तेल बेचा है, अब रूस की तरफ से यह फोर्स किया जा रहा है कि भारत उन सभी तेलों का पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करे। रूस इस मामले पर भारत के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बना रहा है, जिस वजह भारत की तेल कंपनियां अब रूस के साथ तेल की खरीदारी बंद करने पर विचार कर रही हैं। भारत की बात को इग्नोर करने का एक रीजन यह भी है कि इस समय पुतिन जिनपिंग की गोद में जाकर बैठे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ दुश्मनी चीन की भी है और इन देशों के साथ दुश्मनी रूस की भी है। और एक कहावत भी कही जाती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। रूस इस समय पश्चिमी देशों और अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपना एक गुट बनाना चाहता है, जिसमें उसे चीन और मिडिल ईस्ट देशों की जरूरत पड़ेगी। जबकि भारत के रिश्ते मिडिल ईस्ट के साथ भी अच्छे हैं, रूस के साथ भी अच्छे हैं, पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। ऐसे में अगर भारत रूस के फेवर में जाता है, तो उसे पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कमजोर करना पड़ेगा। और रूस को यह बात अच्छे से पता है कि भारत ऐसा कभी करेगा नहीं, इसीलिए वह भारत के ऊपर फोकस करने के बजाय अपना सारा ध्यान चीन और मिडिल ईस्ट की तरफ लगा रहा है, ताकि वहां से उसे बड़ी ताकत मिल सके। जुलाई महीने में एक खबर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि भारत की कुछ तेल कंपनियों ने रूस को पेमेंट करने के लिए चीन की करेंसी में पेमेंट कर दिया है, जबकि जो बाकी कंपनियां थी वे थर्ड पार्टी के थ्रू अपना पेमेंट डॉलर और दिरहम में कर रही थी। लेकिन अब रूस यह चाहता है कि भारत ना तो डॉलर में पेमेंट करे, ना ही दिरहम में पेमेंट करे, ना ही रूबल और ना ही रुपए में। दो महीनों में दो बार चीन जाने वाले पुतिन अब पूरी तरह से चीन की भाषा बोल रहे हैं। शायद पुतिन इस बात को भूल गए हैं कि भारत के साथ रूस का रिश्ता 7 दशक पुराना है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पहले दबाव में आकर रूस को युआन में पेमेंट किया था, लेकिन बाद में सरकार के कहने पर युआन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। खैर, अभी सितंबर में हुए 7 शिपमेंट का पेमेंट बकाया है, जिसे रूस युआन में एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। लेकिन भारत की भी जिद है कि हम किसी भी कीमत पर युआन में पेमेंट नहीं करेंगे। अब इस पूरे मामले में भारत के पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो भारत रूस को युआन में पेमेंट करे, या फिर रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे। अब हम फायदे और नफा नुकसान की बात करें, तो इसमें नुकसान केवल रूस को है, क्योंकि रूस जितने कीमत पर हमें कच्चा तेल दे रहा है, कुछ इसी कीमत पर हमें ईरान भी कच्चा तेल देने को तैयार है। अगर हम रूस के साथ अपने तेल की खरीदारी बंद भी करते हैं, तो हमें कुछ इसी कीमत पर ईरान से तेल मिलने लगेगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कि भारत को इस पूरे मामले में क्या करना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।